नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर कुमार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा, मेरे पास एक सेट आया है जियो ऐप 320 का सेट है। देखना दोस्तों, जियो ऐप 320 का सेट है। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम है कि इसका जो माइक है वो माइक वर्किंग नहीं कर रहा है दोस्तों, हैंग लोगों की प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊँगा, कुछ लोग बताते हैं कि आप एक जम्पर से पता कर सकते हैं इसमें सॉफ्टवेयर होगा या हार्डवेयर होगा, वो जम्पर कौन सा बताते हैं दोस्तों, आपको बता देता हूँ। देखना यहाँ पे माइक के बाजू में, यहाँ पे देखना एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर के बाजू में दो बिंदी दिख रही है, ये बिंदी में बोलते हैं आप ऐसा जम्पर कर दीजिए, कैपेसिटर से सीधा बिंदी पे जम्पर कर दीजिए और आपकी प्रॉब्लम है वो पता पड़ जाएगी, सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है या फिर माइक की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ऐसे केस में अगर ऐसा सेट आता है हमारे पास, तो ऐसा आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर दोस्तों आप इस कैपेसिटर से इस पॉइंट पे जम्पर कर देते हैं, तो ऐसे केस में दोस्तों क्या होता है, हमारा जो माइक का जो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट पे जम्पर कर देते हैं तो हमारे सेट में प्रॉब्लम आ जाती है, जो लाइन होती है माइक की वो हमारी ब्रेक हो जाती है। और दोस्तों हम इसमें माइक डालते हैं तो माइक वर्किंग नहीं करता है दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने भी दोस्तों ऐसे ही किया था, कुछ लोग ऐसे होते हैं आप इसकी रीडिंग चेक नहीं कर पाते हैं और डायरेक्टली आप माइक डाल देते हैं। दोस्तों आपको माइक डालते टाइम इसमें रीडिंग चेक करना है, यहाँ पे इस कैपेसिटर पे रीडिंग आना चाहिए, वो कितनी आना चाहिए देखना, मीटर कंटिन्यूटी में लगाएंगे। और लगाने के बाद दोस्तों मैं अभी आपको बता देता हूँ यहाँ पर रीडिंग कितना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग के आना चाहिए। एक क्रॉप हम ग्राउंड पर रखेंगे, देखना एक क्रॉप मैं ग्राउंड पर रखता हूँ और एक हम कैपेसिटर पे रखते हैं, थोड़ा इधर कर लेता हूँ, एक कैपेसिटर के आगे वाले सिरे पे रखेंगे। अभी टच हो रहा है माइक में, ये देखना दोस्तों मेरी 4.23 आ रही है, 4.24 आ रही है, ये देखना दोस्तों परफेक्ट रीडिंग हमारी इतनी आएगी, 4 पॉइंट के लमसम आएगी दोस्तों, 4 पॉइंट से नीचे तो आएगी नहीं, ये कैपेसिटर पे रीडिंग आ रही है दोस्तों, हमारी इतनी ही कैपेसिटर पे आना चाहिए आगे वाले सिरे पे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको दूसरी बात एक और बता दूं दोस्तों, जब भी माइक डालोगे तो आपको यही रीडिंग चेक करना है, हमारी यहाँ पे रीडिंग आती है या नहीं आती है दोस्तों। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप कैपेसिटर से सीधा आप यहाँ पर बिंदी पर जम्पर मार देंगे और आप सेट को ऑन करेंगे तो आपका सेट अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होगा तो नहीं होगा ऑन, अगर दोस्तों माइक की प्रॉब्लम होगी तो सेट 100% ऑन हो जाएगा दोस्तों। इससे क्या होता है, हमारे माइक की जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है और ऑलरेडी पहले से ही हमारा माइक ख़राब होता है, इसलिए हमारा सेट ऑन हो जाता है। इस जम्पर लगा के ये वाला आप जम्पर लगा देंगे तो इससे हमारा सेट इसलिए ऑन हो जाता है क्योंकि जो माइक की जो लाइनिंग आती है वो ब्रेक हो जाती है और माइक में सप्लाई जाना रुक जाती है, इसलिए हमारी सेट पूरा ऑन हो जाता है पूरी तरह से दोस्तों। आपको यही बताऊंगा बार बार, आपको ऐसा नहीं करना, आप जम्पर करते हैं ऐसा नहीं करना है। आपको अगर सेट में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको हैंग लॉगों की प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे सप्लाई चेक कर लेना इस वाले कैपेसिटर पे, और ये बाजू में रेजिस्टेंस है इस पर भी चेक कर लेना, इस पर भी हमारी 4 पॉइंट की रीडिंग आएगी। देखना मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये देखना दोस्तों इसमें भी 4 पॉइंट के समथिंग रीडिंग आ रही है दोस्तों। तो आप दोस्तों बार बार यही कहूँगा, ये दोनों पॉइंट चेक कर लेना है आपको, रीडिंग आपकी परफेक्ट आ रही है तो हमारा माइक वर्किंग करेगा, अगर नहीं आ रही है तो माइक वर्किंग नहीं करेगा। तो दोस्तों आप ये वीडियो देख के आप समझ गए होंगे, और दोस्तों आपको माइक लगाना नहीं आता और दोस्तों आपका पूरा जम्पर यहाँ से, अगर आपके यहाँ पर 4-5 ट्रैक होते हैं, इसमें 5 ट्रैक होते हैं, अगर उसमें से कोई मिस हो जाता है तो उसका जम्पर कहाँ कैसे करेंगे क्या करेंगे, मैंने दोस्तों एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ देखिए जाके और क्लिक कीजिए, वीडियो आप देख सकते हैं मैंने कैसे जम्पर मारा है और कैसे सॉल्यूशन बताया है। तो दोस्तों आप लोग कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।